जब से आदित्य पगडंडिया गया है तब से किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है आदित्य से। यहाँ तक कि पूरी टीम कनेक्टेड है इमली और उसके ऑफिस से, लेकिन सिर्फ आदित्य ही गायब हो गया है। पर जैसे तैसे करके अपनी माँ की मदद से इमली आदित्य को ढूंढने में हो गई है कामयाब, और अब वो चाहती है कि बाबू साहेब पगडंडिया में सही सलामत रहें, जिसका जिम्मा इमली ने दिया है अपनी माँ को। इसी के साथ अब इमली के सामने आर्यन और आदित्य के रिश्ते का वो राज आएगा जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आखिर आर्यन सिंह राठौर क्यों करते हैं आदित्य त्रिपाठी से इतनी नफरत, ये राज अब इमली को पता चल जाएगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो इमली की अपकमिंग ट्रैक की कहानी होगी बहुत ही जबरदस्त, जहां पर आदित्य का एक बार फिर से संपर्क होगा अपने ऑफिस से। आदित्य पूरी कोशिश कर रहा है उस टेररिस्ट का इंटरव्यू लेने की, लेकिन इस टेररिस्ट ने अपनी आइडेंटिटी को फिर से छिपा लिया है। वहीं अब आदित्य की जान एक बड़े खतरे में पड़ने वाली है। तब इमली आदित्य से कहेगी कि आप अपना ख्याल रखना, और वहीं आर्यन को बताएगी कि मुझे लगता है कि हम सबको पगडंडिया चलना चाहिए, वरना हमारी टीम को कुछ भी हो सकता है। तब आर्यन इमली से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें इतना डम लगता हूँ, और वो उसे अपने ही केबिन में बंद करके चला जाएगा। साथ ही अब इमली सोचने वाली है कि आखिर इस खड़ूस सिंह राठौर को आदित्य त्रिपाठी से क्या परेशानी है। तब इमली आर्यन का पूरा केबिन खंगाल देगी, ये सब कुछ वो गुस्से में करेगी ताकि आर्यन गुस्से में आकर अपना केबिन खोल दे और इमली को आज़ाद कर दे। लेकिन यहाँ पर सारे सामान को फेंकते हुए इमली को मिलेगा एक एनवलप। इस एनवलप में है आदित्य की कुछ तस्वीरें और 5 साल पुराने उस राज का सच जो अभी तक आर्यन ने इमली को नहीं बताया। अर्पिता यानी कि आर्यन की जीजू की मौत जब फैक्ट्री में हुई थी, उस दौरान आदित्य भी वहां पर मौजूद था, और उसी के कड़वे सवालों की वजह से भीड़ ने आर्यन के जीजू पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। सच्चाई की तह तक जाने पर इमली को पता चलेगा कि आर्यन उसी हादसे का बदला आदित्य से लेना चाहता है, और इसीलिए वो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल इमली की कहानी। आर्यन और आदित्य का ये कनेक्शन सामने आने के बाद इमली का क्या फैसला होता है, जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है।